हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स। दिस इज योर दिव्या मैम और आज हम करेंगे हिंदी के स्वर यानी अ से अह तक। मैं आपको बताऊंगी अ से अह तक कौन कौन से स्वर होते हैं और उनके चित्र भी दिखाऊंगी, जिनके मैं नाम भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वर है हमारा अ। अ इसको हम छोटा अ भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ही मुंह अपना खोलते हैं, इसलिए हम इसको छोटा अ कहते हैं, या तो छोटा अ या अ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से चित्र अ से शुरू होते हैं। पहला है अ से अनार। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये है अ से अनार। यहाँ पर देखिए अ से अनार, ये है अ से अदरक, ये है अ से अजगर। अगर आप ध्यान से देखिए अ से अजगर बहुत बड़ा सांप होता है और आप जानते हैं अजगर हमें खा भी जाता है। यह अ से अमरूद। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे अक्षर पे, वो है आ। पहले वाला था अ जिसमें हमने थोड़ा सा मुंह खोला था, यह है आ। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको कहते हैं ना, बड़ा मुंह खोलिए, आ कीजिए, तो ये वही है आ, बड़ा मुंह खोल रहे हैं हम। तो हमारा दूसरा अक्षर क्या है, आ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ चित्र बने हैं और यहाँ पे अब हम देखेंगे बड़ा आ वाले चित्र, ये है आ से आम। आ से आम, यह आ से आम। बच्चों कभी भी आग के पास नहीं जाना, गैस के पास नहीं जाना, जल जाओगे, है ना, इसलिए आग से दूर रहते हैं। आ से आग, आ से आलू, आ से आलू, आ से आड़ू, आ से आड़ू। तीसरा अक्षर है ई, जिसको हम छोटी ई भी बोलते हैं या सिर्फ ई। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है छोटी ई से शुरू हुए कुछ चित्रों के नाम। अब हम आपको बताती हूँ मैं, ये है ई से इमली, ये है ई से इमली, ये है ई से इमरती, ये है ई से इमरती, ये है ई से इमारत, इमारत मतलब बिल्डिंग, यह ई से इमारत, और ये है ई से इनाम। इनाम मतलब जब हम जैसे कोई भी अगर रेस है हम या तो हमें प्राइज मिलता है तो उसको हम इनाम कहते हैं। ओके, छोटी ई के बाद आता है बड़ी ई, ये है ई। जब हम कहते हैं ना स्माइल करो, ई दांत दिखाओ, ई, ठीक है, तो छोटी ई के बाद ई। जब हम ई बोलते हैं ई, तो उसमें हम कम जोर लगाते हैं, ये है ई, इसमें हम ज्यादा जोर लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्द। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ई से ईद। हम ईद मनाते हैं ना, मुस्लिम्स लोग जो है वो ईद मनाते हैं, है ना, और हम भी जो है
अल्लाह में विश्वास भी रखते हैं, राम में विश्वास भी रखते हैं, ईसा मसीह में भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर और ईश्वर तो एक ही है। ये है ईद, ये है ईख, ये क्या है? ईद, ठीक है, और ये है ईख, ये है ईंट। घर किससे बनता है? ईंटों से। दीवार किससे बनाते हैं? ईंटों से, ईंट। और ये है ईसा, ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा। नेक्स्ट है उ, ये क्या है? उ, जिसको हम छोटा उ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी हम कम जोर लगा रहे हैं बोलते वक्त। उ, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे उ से शुरू होने वाले चित्र और उनके नाम। तो हम देखें क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए, ये है उ से उल्लू, उल्लू मतलब आउल, उ से उल्लू। ये है उ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट या प्रेजेंट। ओके, सो ये है उ से उल्लू यानी आउल, उ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। ये है उ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन, से उपवन। ये है उ से उल्टा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बच्चा उल्टा है ना, सर नीचे और पैर ऊपर, ये उल्टा खड़ा हुआ है, उ से उल्टा। नेक्स्ट छोटे उ के बाद आता है यहाँ पे, ये है बड़ा उ, इसमें भी हम जोर ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। ऊ, वो क्या था? ऊ, और ये क्या है? ऊ। यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़े ऊ से शुरू होने वाले चित्र और उनके नाम। ये है, कोई बता सकता है मुझे पहला चित्र किसका है? यस, ऊ से ऊंट, ऊंट यानी कैमल, ऊ से ऊंट। ये है ऊ से ऊपर, आप यहाँ पे हाथ देख सकते हैं सबके, ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऊपर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊ से ऊपर। ये है ऊ से ऊन, ऊन यानी वूल, जिससे हम स्वेटर भी बनाते हैं, है ना, और जो भी हमारे विंटर के क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादातर वूल से ही बने होते हैं, तो ऊ से ऊन। एंड ये क्या है? ऊ से उदबिलाव, ये है ऊ से उदबिलाव यानी ऑटर, इसको हम ऑटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है री, कई लोग इसको रू भी बुलाते हैं, तो चाहे आप रू बुलाइए या री बुलाइए, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। री, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका चित्र बना है? री से ऋषि, ये क्या है? री से ऋषि। उसके बाद दूसरा अक्षर है ए, ये क्या है? ए, जिसको हम छोटा ए भी बोलाते हैं, ए, ये क्या है? ए, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है छोटे ए से शुरू होने वाले चित्र और उनके नाम। तो सबसे पहले है ए, ए से एक, एक यानी वन, ए से एक तारा, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही तार होती है, इसलिए एक तारा। ए से एड़ी, ये है एड़ी हमारी, ए से एड़ी,
ए से एल्बम, ए से एल्बम। उसके बाद आता है ए, ये क्या है ए, जब हम अपना मुंह खोल रहे हैं तो बड़ा मुंह खोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं ए, हमने छोटा बोलना था तो छोटा ए, ठीक है, ये है ए। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किसके चित्र बने हैं, ऐसे ऐनक जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं, और ये है ऐसे ऐरावत जिसको हम सफेद हाथी भी कहते हैं, ऐसे ऐनक ऐसे ऐरावत। इंद्र का जो हाथी था, भगवान इंद्र का हाथी, वो सफेद रंग का था और उसको ऐरावत कहते हैं। नेक्स्ट है ओ, ये क्या है ओ, यहाँ पे भी हम चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओ से ओखली, ओखली में आप कुछ भी मसाले हैं, मिर्चियां हैं, वो आप पीस सकते हैं, वो कूट सकते हैं और वो छोटा 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 मसाला बन जाता है, ठीक है। ओ से ओखली, यहाँ तक कि हम बादाम काजू अगर हमें उसको कूटना है तो वो भी हम कूट सकते हैं। ओ से ओढ़नी, अब ये शॉल भी हो सकती है, ये आपका स्टोल भी हो सकता है, ये आपकी चुनरी भी हो सकती है, कुछ भी जो आप सर पे ओढ़ रहे हैं उसको ओढ़नी कहते हैं। ये है ओ से ओले, जब बहुत तेज बारिश आती है तो उसके साथ क्या गिरते हैं, ओले, जो बर्फ के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो बारिश तेज बारिश जब बहुत तेज बारिश होती है तब ओले गिरते हैं। यह ओ से ओस, जब सुबह सुबह अगर आप उठें तो आप देख सकते हैं कि पत्तियां गीली होती हैं, उसमें पानी होता है, वो होता है ओ से ओस, उसको ओस कहते हैं। ओ के बाद आता है ओ, यह है ओ, ये क्या है ओ। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये है ओ से औरत, औरत यानी लेडी, वुमेन, आपकी मम्मी हो, आंटी हो, दादी हो, नानी हो, कोई भी हो, सब औरत ही हैं। ओ से औषधि, औषधि मतलब दवाई, मेडिसिन। ओ से औजार, औजार मतलब टूल्स, जैसे कारपेंटर होता है उसके पास भी औजार होते हैं, है ना, प्लम्बर होता है उसके पास भी औजार होते हैं, औजार मतलब टूल्स जिससे वो काम करते हैं। ओ से औषधालय, औषधालय यानी डिस्पेंसरी, या फिर आप मेडिकल स्टोर कह सकते हो, या फिर आप केमिस्ट शॉप कह सकते हो, जहां से आपको दवाइयां मिले। ये है ओ से औरत, ओ से औषधि, ओ से औजार, ओ से औषधालय। नेक्स्ट है अंग, इसे कहते हैं अंग, ठीक है, ओ के बाद आता है अंग। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं चित्र, ये है अंक से अंक, अंक मतलब नंबर्स, अंक से अंक, अंक से अंगूर, अंगूर मतलब ग्रेप्स, अंक से अंगूठी, अंगूठी मतलब रिंग जो उंगलियों में पहनते हैं, अंक से अंक, अंक से अंगूर, अंक से अंगूठी। तो चिल्ड्रन लास्ट है अह, इसको हम कहते हैं अह, ये शब्दों के अंत में इसको यूज करा जाता है, इससे कोई अलग से शब्द नहीं होते, तो ये है अह। आई होप आपको स्वर अच्छे से समझ आ गए हैं, अ से अह तक अच्छे से समझ आ गए हैं,
चित्र भी आपको समझ आ गए हैं। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।